इस सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में सब अनपढ़ों को बैठा रखा है और बिहार का जो पढ़ा लिखा युवा है वो सड़कों पे लाठी डंडा खा रहा है। हम पटना में जगदेव पथ से शुरू करेंगे, उन्हीं जगदेव पथ से शुरू करेंगे जिस पे स्वर्गीय शहीद अमर शहीद जगदेव बाबू के नाम से जो पथ रखा गया, जिन्होंने बिहार की धरती के लिए बलिदान दे दिया। आज बिहार के अंदर में फिर से वही वर्ग बांट रही है ये सरकार। आज हमारा 90% शोषित है और 10% शोषक है। वो 10% में कौन है? वो ये बड़े अफसर है, वो ये बड़े नेता है, वो इनके विधायक मंत्री और ये ठेकेदार है। आज बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम इस सरकार से यही तो मांग रहे हैं रोजगार। रोजगार हमारा अधिकार है, दे दो हमें, क्यों नहीं दे रही है सरकार? नीतीश सरकार जी, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश सरकार के मंत्रियों से कि एक तो तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, ऊपर से तुमने रोजगार मंत्री बना रखा है, एक मिनट के लिए तुम्हारे पास कोई तुम नया इनोवेशन नहीं कर रहे हो, फिर तुमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना रखा है। बिहार का किसान गरीबी में अपने फसल को जलाया जा रहा है और फिर तुमने कृषि मंत्री बना रखा है। जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बिहार को बर्बाद करना है, तो क्यों ये ड्रामा कर रहे हो? आज बिहार का युवा सड़कों पे उतरेगा नहीं तो क्या करेगा, बताइए? आज हम जैसे युवा जो पढ़ लिख कर हमने कॉलेजों में पढ़ाई की, स्कूल में पढ़ाई की, सर रोना आता है देखकर कि आज हम लोगों के लिए रोजगार नहीं है, तो क्यों ये स्कूल खोल रखे? बंद करो ये स्कूल। आप एक सरकार में एक एम्प्लॉय के रूप में भी कार्यरत काम किए हैं और उन सारी चीजों को लेकर के अब आप राजनीति में उतर। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का जॉइंट सेक्रेटरी रहा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास जानता है। 2016 में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना, आर्यभट्ट कॉलेज के एक प्रिंसिपल ने भ्रष्टाचार किया, मैं कोर्ट तक जाकर उनको सस्पेंड करवाया। मेरा इतिहास देखिए, मैं कोई ये दबने कुचलने वाले कौम का नहीं हूं। और नीतीश जी को याद रहना चाहिए, ये जेपी की भूमि है, ये जगदेव प्रसाद की भूमि है, और इन्हीं नीतीश सरकार, ये 2009 का वाक्या नहीं भूलना चाहिए इनको। हमारे नागमणि जी कृषि मंत्री थे, आज के डेट में कोई चपरासी पद से इस्तीफा देता है क्या? नागमणि जी ने कृषि मंत्री पद से भले नीतीश सरकार के विधानसभा में उनके मुंह पे इस्तीफा फेंक दिया था, क्योंकि वो जान गए थे कि ये सरकार वादा खिलाफी करती है, नीतीश सरकार बेवफा है। और इसीलिए इस बेवफा सरकार के खिलाफ आज बिहार का युवा उठ रहा है। हम लोग अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो ये सरकार हमें गुलाम बना देगी। हम लोगों के स्कूल बंद करके रखे, हमारे कॉलेज बंद करके रखे, हमारे